तो हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। भारी बारिश के बाद मंडी में पंडोह डैम और कुल्लू के मालना डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिसके चलते दोनों डैमों के सभी गेट खोल दिए गए हैं और तस्वीरें बेहद ही भयानक आ रही है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंडोह डैम की तस्वीरें आप देख सकते हैं और मालना डैम, इन दोनों डैम को खोल दिया गया क्योंकि पानी का फ्लो इतना ज्यादा था, मजबूरन प्रशासन को ये डैम खोलना पड़ा, जिसके बाद मंडी और कुल्लू में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जानकारी के मुताबिक पंडोह डैम से पानी छोड़ने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, तो वहीं पंडोह डैम से 82,000 क्यूसिक प्रति सेकेंड पानी छोड़ा गया है। तो समझा जा सकता है कि हालात कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पानी छोड़ना भी मजबूरी है, फ्लो इतना ज्यादा है और अब आपको बता दें इसके चलते बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। इससे नदी का पानी आपको बता दें कि पंचकत्र महादेव मंदिर तक पहुंच गया है। नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। जो भी यहां पे लोग रह रहे हैं उन्हें सबसे पहले प्रशासन सुरक्षित स्थानों पर भेज रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्राम होने के बाद पानी का फ्लो कितना बढ़ गया, उसके बाद ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया और इससे बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। पंडोह डैम और मलाना डैम की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर कितनी भयानक है समझा जा सकता है। ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं मन में एक डर का खतरा, हालांकि प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों को भी यही कहा जा रहा है कि आप ऐसे इलाकों से जहां पर अलर्ट जारी किया गया है वहां जाने से बचे। ये भारी तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बादल फटने के बाद जो मंजर देखने को मिला, उसके बाद ये पंडोह डैम और मलाना डैम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये फ्लो आप देख सकते हैं और जलस्तर इतना ज़्यादा ब्यास नदी में बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। और जो भी आसपास यहाँ के इलाके में लोग रहते हैं उन्हें खाली करा दिया गया है और खासतौर पर प्रशासन लगातार यहाँ मुस्तैद है। आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने आपात बैठक भी बुलाई कि कैसे आगे रणनीति बनाया जाए। और खासतौर पर देखिए पहाड़ों की बात की जाए तो लैंडस्लाइड की वजह से भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको तस्वीरें हमने अभी कुछ देर पहले मंडी की दिखाई थी कि बादल फटने के बाद कैसा मंजर देखने को मिला, कई लोग बह चुके हैं। आपको बता दें कि 50 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और इसके चलते कई हाईवे भी बंद कर दिया गया है। NDRF और SDRF की बचाव कार्य में जुटी हुई है।